अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं बना रही हूँ देगी पुलाव रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार बनती है। देग वाले चावल जो होंगे बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। वो मैं लिया वा 2 किलो गोश्त और एक मग मैं ये पानी दा पाऊँगी, यानी कि 3 गिलास ये पानी ऐड करूँगी और हल्की आग रखनी है। गोश्त भी देना करना वा 3 प्याज और 4 चम्मच लहसुन, ठीक है ना, 1 चम्मच हल्दी दा और नमक ये मैं पाऊँगी 1.5 चम्मच नमक, तुम अपने टेस्ट के हिसाब से इस्तेमाल करना वा। अच्छा जी, हूँ अच्छी तरह सेक लग चुके वा, आग बिल्कुल स्लो रखनी है, ठीक है ना। 25 मिनट मैं इनू कवर कर दूँगी, देर ना करना वा, ठीक है ना। अगर तुम प्रेशर कुकर से पकाना वा तो उत्थे पका सकते हो। हूँ मैं बनाऊँगी चूल्हा पहले, ठीक है ना, क्योंकि देग बनानी है, देग वास्ते चूल्हा वड्डा होना चाहिए वा, ताकि वड्डा जरा पतीला वा ना अच्छी तरह रख हो जाए, ठीक है ना। अगर मेरे चैनल में सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी ना जाके सब्सक्राइब कर दो। चूल्हा तो माड़ा मोटा मैं बना लिया, मैनू बनाने तो नहीं आता खैर, और थोड़ा जहा काम चलो डन हो गया फिर भी। अच्छा जी, हूँ देखो 25 मिनट हो चुके हैं और ये मैं 1 किलो टमाटर पाऊँगी, ठीक है ना। टमाटर मैं 1 किलो लिया और चावल मैं किन्ने बना रही हूँ ये भी तुम्हें शेयर करूँगी, और मैं हल्की हल्की आग पर रखूँगी ताकि जरा टमाटर का पानी होएगा वो अच्छी तरह खुश्क हो जाएगा, अच्छी तरह ड्राई हो जाएगा और गोश्त भी अच्छी तरह गल जाएगा। चावल में भिगो के रख लूँगी, ठीक है ना। चावल मैं लिया 4 किलो और 4 किलो चावल बनाने का मैं तरीका दसूँगी, बिल्कुल देग वाला तरीका होएगा जिदा देगी चावल होंगे। और घी लिया वा, सुल्तान घी लिया मैं, ठीक है ना। आधा किलो ये मैं घी का इस्तेमाल करूँगी और थोड़ा जहा आधा किलो ना मैं कम रखूँगी, थोड़ा जहा मैं बचा लिया, ठीक है ना, पूरा पैक ये नहीं पाया। और ये मैं इस्तेमाल करूँगी प्याज आधा किलो, ठीक है ना, और मसाले वगैरह रेडी आ, जायफल का फूला सॉरी जायफल का टुकड़ा वा ये मैं पीस लिया, सारे मसाले तो इन्ना पीस लिया, ठीक है ना। और मसाला किन्ना लिया भी शेयर करूँगी, और अदरक लिया वा 4 चम्मच, गरम मसाला वा लिया साबत, जीरा वा 2 चम्मच और इलायचियाँ, लौंग, दालचीनी सिर्फ थोड़ी थोड़ी चीज़ें लिया वा, और हरिया मिर्चा बारीक चॉप कर लिया वा, 2 साबत लिया वा, लेमन कट के रख लिया, और साबत जरा मसाला पीसिया ना वो किन्ना लिया वा वो मैं तुम्हें शेयर करूँगी। 6 चम्मच मैं लिया जीरे दे, 2 चम्मच कालिया मिर्चा, 10 लौंग और इलायची 4 और दालचीनी के टुकड़े थोड़े जे, ठीक है ना, इन्होंने पीस लिया। और आज जरा फुल है ना, और फुल कह रही हाँ जायफल का टुकड़ा है, मैं थोड़ा जहा पीसिया ये प्याज में अच्छी तरह ब्राउन करूँगी, थोड़ा जहा कलर यदा चेंज हो जाएगा मसाला, प्याज अच्छी तरह ब्राउन करने हैं। आग भी बहुत सोहनी बलंदी है, चूल्हा साडा हो गया कामयाब, तो देगी पुलाव भी कामयाब हो जाने हैं, बहुत ही मज़ेदार लगनगे। और गोश्त मैं ये ऐड कर दूँगी, ब्राउन हो चुके हैं प्याज, ठीक है, लहसुन वगैरह प्याज मैं वो भी गोश्त भी पाया सी, ठीक है। थोड़ा जहा पानी ऐड करूँगी ये अंदर, और साबत गर्म मसाले मैं पाऊँगी सारे, मैं ये धूप धार देने हैं। साबत गर्म मसाले बहुत ही मज़ेदार लगते हैं, और अदरक तो मैं 4 चम्मच लिया, अदरक ज़्यादा इस्तेमाल करांगे क्योंकि चावल भी ज़्यादा वा, अदरक ना भी टेस्ट आएगा अच्छा। 1 चम्मच लाल मिर्च और नमक हसबे जरूरत, टोटल नमक ये मैं 12 चम्मच पाया, ठीक है ना, अपने टेस्ट के हिसाब ना तुम नमक इस्तेमाल कर लियो। थोड़ा जहा पानी ऐड कर देंगे ताकि मिर्चा का कच्चापन जरा ना वो ख़त्म हो जाएगा, अच्छी तरह यदि बुनाई कर लेनी है। चावल जरा कला कला बनता ना वह राज ये कि ये दही का इस्तेमाल करो, दही होए या इमली हो गए ये चावल बिल्कुल कला कला होएगा, जुड़े हुए चावल नहीं बनेंगे, ठीक है ना।
अच्छा जी, अच्छी तरह यदि बुनाई कर लेनी है। बहुत ही मज़ेदार यदा टेस्ट आ रहा है। ये हूँ मैं पानी किन्ना इस्तेमाल करूँगी, सारी गल होंगी है पानी की। 4 किलो चावल आ, चावल मैं भिगो के रखे हुए आ, ठीक है ना। 20 मिनट हो चुके हैं चावल भिगो के रखे से। ये मैं टोटल पानी इस्तेमाल करूँगी 4.5 किलो, ठीक है ना। 4 किलो चावल तो 4.5 किलो पानी का इस्तेमाल करूँगी। चावल 20 मिनट हो गए भिगो के रखे, और हरिया मिर्चा ये ऐड कर दूँगी। बहुत ही अच्छा यदा टेस्ट है। थोड़ी जी कम मिर्च रखूँगी क्योंकि मसाला मैं ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हूँ, ठीक है ना। लाल मिर्च का भी नहीं इस्तेमाल किया इन्ना ज़्यादा, और गरम मसाले का मैं ज़्यादा इस्तेमाल करूँगी। सारा टेस्ट यदा आएगा गरम मसाले का, ठीक है ना। इन्ना ज़्यादा तेज़ गरम मसाला नहीं है, क्योंकि ये मैं कालिया मिर्चा जड़िया पीसिया ना, सिर्फ 2 चम्मच आ। अच्छी तरह इन सेक लग चुकी वा। और ये हूँ मैं पा दूँगी चावल, 4 किलो चावल से ये मैं पा दूँगी। चावल बहुत ही मज़ेदार बनेंगे, और इन्हें मैं कवर कर दूँगी ताकि अच्छी तरह पानी यदा पक जाए। मशाला अग बहुत ही सोहनी बुलंदी आ, और फस्ट टाइम मैं चूल्हा बनाया वा। मैं चलो जी अम्मी बना लेंदे होंगे, अम्मी तो घर नहीं सी, चलो मैं बना लेंदी आ। और आ देखो मशाला बहुत ही मज़ेदार यदा टेस्ट, यदि खुशबू मशाला इन्नी सोहनी आ रही है ना। देगी पुलाव बहुत ही मज़ेदार आ, और साढ़े ना असं मैं हमेशा घर ही बना लेंदी होंगी। जेरे नाई वगैरह होंगे ना साढ़े इतने गाँव के जड़े होंगे ना नाई, वो अच्छी तरह नहीं बनाते ना। अच्छा या तो नमक ज़्यादा खा जाते हैं या फिर मिर्च, ठीक है। लैमन वगैरह ये मैं ऐड कर लूँगी, और बहुत ही मज़ेदार होने आ। हूँ जरा सानू पुछता ना कि जिन्हें घर भी चावल दे के आओ तो कहते होंगे कि नाई ने पकाए आ ये पता नहीं असं आप ही नाई बने फिरते। अच्छा जी, वो कहते होंगे सानू भी दसो असी भी पकावे कि नाई ने बनाया। तो आ देखो माशाल्लाह चावल तुसी देखोगे ना, माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त देखिया कला कला चावल आ। ये पानी का कमाल होना चाहिए वा, ये मैं दही पाया वा, वो वजह ने ये चावल बिल्कुल कला कला वा, बहुत ही सोहना। और माशाल्लाह बहुत ही अच्छी लुक आई है, जिन्ने सोने देखन तो लगन दे, उन्ना प्यारा टेस्ट है इन्हों का खाने का। और ट्राई करके तुसी भी जरूर देखियो, देगी पुलाव बहुत ही मज़ेदार बनते आ। और अपने प्यार है तो मेरी रेसिपी नूं शेयर भी कर दिया करो। बाकी मैं एक एक छापर बना लूँगी, बच्चों को वाड़ लाँगे चावल, और बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। उम्मीद है तुहानू अज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखियो, असं फिर मिलेंगे नवे चस्के नवी रेसिपी के नाल। और ओके, अल्लाह हाफिज़।